हेलो। आवाज सही से आ रही है। ठीक है, तो हमारे साथ अजीत हैं। अजीत बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में इन्होंने कुल 440 अंक प्राप्त किया है। अगर सेपरेट सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इन्होंने मैथ में 96 नंबर यानी 96% मैथ में इन्होंने लाया है, और इनको 21 नंबर दिया गया था प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में। फिर भी केमिस्ट्री में इन्होंने थ्योरी में 57 नंबर लाया था, कुल मिला के 78 नंबर हुआ है। अगर इन्हें अगर केमिस्ट्री में इन्हें अच्छा नंबर मिला होता प्रैक्टिकल में 6-7 नंबर, जैसे 29 या 30 नंबर मिला होता, तो इनका स्कोर और ये 440 से 450 की तरफ जाता, जो कि प्रैक्टिकल का नंबर स्कूल वालों के हाथ में होता है, दे सकते थे इनको। इसके बाद अगर इनके देखा जाए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये फिजिक्स में तो 59 नंबर है, 27 नंबर इन्हें प्रैक्टिकल में मिला है, कुल मिला के 86 नंबर है। और इंग्लिश में इनको 87 नंबर मिला है और हिंदी में 93 नंबर मिला है। और अजीत आप कहाँ से हो? यस सर, आप कहाँ से हो? आरा से। आरा, आरा, भोजपुर जिला आरा से। ठीक है, तो अजीत आज ये हम लोग ये जो वीडियो एक तरह से बना रहे हैं आपके इंटरव्यू का, ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, या जिन्हें 2026 में देना होगा, आगे कभी भी देना होगा, उनको जरूर हेल्पफुल होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ये सब अजीत के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अजीत, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी किया आपने, पूरी साल कैसा रहा जर्नी आपकी? जी सर बोलिए। कैसे तैयारी किया आपने पूरी साल? नेटवर्क लग रहा है इनके एरिया में उतना अच्छा नहीं है। शांति रहना। क्या शांति रहा भाई, क्या देखा होता है? मास्टर जी आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ आवाज आ रही है। कहाँ पे हो आप, घर पे नहीं हो क्या? बाहर बाहर में। अच्छा बाहर हो। लग रहा नेटवर्क सही नहीं आपके एरिया में, आवाज अच्छा नहीं आ रही आपकी। लाइट लाइट ही नहीं आ रहा है उधर से। क्या नहीं आ रहा लाइट? हेलो, फेस नहीं दिख रहा है। फेस मेरा नहीं दिख रहा है सर, कार्ड के साथ करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, मैं फिर से काट के करता हूँ। अब दिख रहा है। चलो बताओ बताओ अजीत, क्या कर रहे हो? अब दिख रहा है सर। अच्छा दिख रहा है। कैसे तैयारी की आपने पूरी अब साल? दिख रहा है। आप ही का शिखर बैच ज्वाइन किए थे? अच्छा शिखर बैच ज्वाइन किया था, शुरुआती वाला बैच। शुरुआती वाला। तो कैसे आपने पढ़ाई किया पूरी साल? रोज टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे थे या बिना टाइम टेबल का किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे आप? कुछ कभी कभी स्किप हो जाता था, लेकिन प्रयास कर रहे थे टाइम टेबल सही पढ़े। टाइम टेबल बनाया था आपने? बहुत ज्यादा टाइम टेबल बनाया था, फिर कभी हटा भी देते थे फिर। अच्छा, मतलब 7-8 दिन पे फिर से टाइम टेबल बन ही जाता था दूसरा। हर 7-8 दिन में दूसरा टाइम टेबल बनता था। नोट्स वगैरह कैसे बना रहे थे आप? नोट्स वही आपके पीडीएफ जो था। पीडीएफ से नोट्स आपने अलग से नहीं लिखा था? आप जब लाइव क्लास में पढ़ा रहे तो उसी टाइम ज्यादातर वही उसी टाइम लिख लेते थे। अच्छा, नहीं तो फिर पीडीएफ से। तो लाइव क्लास वाला जो नोट्स होता था उससे हेल्पफुल, तो हमको लगता है एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए आप उसी का यूज किए होंगे। किसका यूज किए थे रिवीजन के लिए? आप रिवीजन के लिए आप किसका यूज किए थे? नोट्स का ही यूज किए थे। नोट्स का। अच्छा, तो अब मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि आपने मैथ में 96 नंबर लाया है, तो मैथ का क्या स्ट्रेटजी रही आपकी पढ़ाई करने का? नोट्स बनाया था कि नहीं आपने? हालांकि ये मैथ वाले सर होते तो और अच्छे से क्लियर होता, लेकिन इतना दिन हो गया, 23 तारीख को रिजल्ट आया है आप लोगों का, और इंटरव्यू हमको लग रहा है 31 मार्च को शूट हो रहा है, क्योंकि इस बीच में क्लासेज भी बंद नहीं करना था हमें, और साथ में अन्य बच्चों के घर भी गया था मैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ है, और आज सर नहीं थे, उसके बाद भी मैंने इंटरव्यू आप लोगों का ले लिया, नहीं तो मैथ वाले सर रहे होते तो उनके साथ और अच्छे से आप लोगों का मतलब बात की होते आप। खैर, मैथ वाले सर कहाँ हैं? मैथ वाले सर नहीं आ पाए हैं सर। ठीक है, और खैर आप ये बताओ कि मैथ में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और मैं देखूंगा तो अलग से कभी किसी दिन समय मिलेगा तो करा देंगे, ठीक है, आपका इंटरव्यू उनके साथ भी। उनका स्टूडियो अलग होगा ना सर। हाँ, मैथ में स्ट्रेटजी
ज्यादातर एनसीईआरटी से पढ़े थे और सर वाला कभी कभी छूट जाता था, सवेरे सवेरे उतना सवेरे उठ नहीं पाते थे। सवेरे उठ नहीं पाते, आज भी सुबह उनका क्लास है, अभी भी सुबह ही क्लास है उनका। नहीं, तो क्लास ऐसे उनका शाम को देखते थे, नहीं दोपहर में। अच्छा, शाम को या दोपहर में। और वैसे मैथ में हमारे यहाँ से बच्चे 99 नंबर भी लाए हैं, और उस बच्चे का भी इंटरव्यू, उस बच्चे के जब इंटरव्यू हो रहा था तब मैथ वाले सर थे, मतलब उस दिन इंटरव्यू हुआ था, उस दिन मैंने आपको कॉल भी किया था इंटरव्यू के लिए, तो शायद आप बाहर थे। आप सर लेट चालू नहीं किया इंटरव्यू? हाँ, और नहीं उस दिन कॉल किया था मैंने आपको इंटरव्यू के लिए, तो शायद आप उस दिन बाहर थे, उस दिन हो नहीं पाया था। ठीक है, खैर, और उसके बाद नोट्स वगैरह कैसा बनाए थे सर शाम को कॉल करने के लिए? हाँ, तो शाम को हो नहीं पाया इंटरव्यू, फिर क्लासेज होती है ना, तो ये बताओ। और मैथ में फार्मूले का अलग से कॉपी वगैरह बनाए थे या फिर कैसे आपने सेट किया था उस सभी चीजों का? नहीं, सब एक ही कॉपी पे लिखे थे, फार्मूले का सर नहीं कॉपी नहीं था। अच्छा, अलग कॉपी नहीं बनाए थे, लेकिन लिखते थे आप, आपके पास नोट्स था सर, लेकिन नोट्स था आपके पास? नोट्स था। अच्छा, नोट्स था आपका सर, पीडीएफ भी निकाले थे एक दो। अच्छा, पीडीएफ भी प्रिंट निकलवा लिए, बुकलेट वाला। अच्छा, बुकलेट वाला, बुकलेट वाला। हालांकि हम लोग खुद फार्मूले का आपको बुकलेट बना के दिए थे अपने हाथों से लिख के, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस सर। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या किया? केमिस्ट्री तो ऑफिस से पढ़े हैं। अच्छा, केमिस्ट्री हमें से पढ़े, केमिस्ट्री कहीं ऑफलाइन नहीं जाते थे कुछ। अच्छा, और फिजिक्स? आवाज सही नहीं जा रही क्या आपके पास? जा रही है फिजिक्स नागेंद्र सर के पास। अभी क्या खेत, मतलब परसेंटेज 440 नंबर लाने के बाद अभी खेत उत में देख रहे हैं, खेल रहे थे क्या? खेल इधर खेल नहीं आए थे, आप कॉल कर दिए, नहीं तो घर मेरा उस साइड है, उस साइड दूरिया है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, दादी है और चाचा है दो। शायद उस दिन मेरी बात जब हुई थी आपने कॉल किया था, उस दिन माता जी से बात भी कराया था मेरी, आप शायद ना? मम्मी से बात कराया था। चलो ठीक है। और तब क्लास टेंथ में कितना परसेंटेज था आपका? 90। अच्छा, क्लास टेंथ में भी 90 था, इस बार भी आपका 90 के लमसम तो पहुंच ही गया है, समझ लो, है ना? 90 के लमसम हो गया, पर प्रैक्टिकल में नंबर, प्रैक्टिकल में ये 21 नंबर की जगह पे आपको अगर अच्छा नंबर दिए होते, 29 नंबर भी दे दिए होते, तब पर भी आपका 90 हो गया होता। ठीक है, हो जाता। लेकिन हम इस बार, मैंने ये सोचा है कि मैंने बोला था 90 प्लस वालों का फीस रिफंड करेंगे, लेकिन आपका भी फीस रिफंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने थ्योरी में अच्छा मेहनत किया है, ये 21 नंबर जो प्रैक्टिकल में दिया गया है कॉलेज वालों से, ये गलत किया गया आपके लिए, इसलिए मैं आपका भी फीस रिफंड करूंगा, क्योंकि आपका भी 90% ही मान रहा हूं मैं कि हाँ 90% है। थ्योरी में कोई कट ऑफ नहीं है, वहां पर देखिए ना 60, 59 है, 70। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका मैं रिफंड करूंगा। ठीक है, तो और परसेंटेज लाने के बाद गांव में और घर में क्या माहौल है, कैसा सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब बढ़िया माहौल है, आज बेसिकली 10th का भी रिजल्ट आया था। अच्छा, आज 10th का रिजल्ट आया। हाँ, 31 मार्च आज 10th का बिहार बोर्ड के 10th का रिजल्ट आया। हाँ हाँ, तो 10th में किसका क्या चल रहा है, मतलब हालांकि हम लोग 10th वालों को पढ़ाते नहीं है, थोड़ा सा शुरू किए। अच्छा, बढ़िया किए, थोड़ा सा शुरू किए थे लेकिन चीजें हो नहीं पाई उस समय, तो रेगुलर नहीं हो पाया। इस सत्र में मैंने सोचा है 10th वालों की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, और यही सब है। तो आने वाले बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, हालांकि आप तो शुरुआत से ही जुड़े थे। जी सर, आपके शुरुआती जो बैच था सीकर बैच, उसी से तो पढ़ा। अच्छा, उसी से। तो आने वाले बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हो? वहीं सही से मन लगा कर पढ़े, आप लाइव क्लास ज्वाइन करें रोज। वैसे तो 12th का डेडिकेशन डेडिकेटेड चैनल आपका एक अल्फा इंस्टीट्यूट दिखता है, और सब है बाकी। और मतलब आगे क्या करने का प्लान आपने बनाया है? हमने यूपीएससी करना है। यूपीएससी की तैयारी करना, तो कहाँ निकल रहे हो यूपीएससी की तैयारी के लिए, घर से या फिर कहीं बाहर जाओगे, डेरा वगैरह लोगे? बाहर से ही, घर से तो नहीं हो पाएगा, घर से नहीं हो पाएगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो कहाँ बाहर में जा रहे हो, पटना या दिल्ली? अभी कुछ नहीं सोचा, फैमिली प्लान उतना नहीं है, पर बात करेंगे। अच्छा, देखो अगर आपको यूपीएससी करना है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि समय आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए, तुरंत आपको जहाँ पे भी निकलना है निकल जाना चाहिए, क्योंकि समय बर्बाद करेंगे तो चीजें हाथ से निकलेंगी, इतना जान लो। यूपीएससी में बहुत कंपटीशन है, बहुत लाखों लोग होते हैं,
अच्छा लाने के लिए, अच्छा करने के लिए आप होते हैं, पर आधा प्रीलिम्स तो कुछ सट जाते हैं कहीं। हाँ वो ठीक है, वो तो सबके लिए, हाँ वो तो सबके लिए है, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, जैसे आज हमने एक 451 नंबर बच्चा लाया था शुभम राज, उसका भी इंटरव्यू किया है मैंने। वो बच्चा पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास में वो अपना ले भी लिया है डेरा वगैरह, ठीक है। तो वो बच्चा जो शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है सीट लिमिटेड होती है, तैयारी करने वाले 1000 लोग होते हैं, दौड़ सब लोग रहे हैं, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जो ज्यादा पड़ेगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। बोर्ड की तरह नहीं कि आपका भी 440 नंबर है, अन्य लोगों का भी 440 नंबर है, सबका है, इससे नहीं मतलब है, है ना। इसमें तो आपका सबका अपना अपना मतलब होता है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, तो किसी का सिलेक्शन तोड़ना पड़ेगा, दौड़ में किसी को पीछे करना पड़ेगा। तो सजेशन आपको ये रहेगा कि थोड़ा सा अब खुशी को जितना मनाए उतना मनाए, धीरे धीरे 23 से 31 तारीख हो गया है, 7-8 दिन हो गया आपका इंटरव्यू, मैं 31 तारीख को ले रहा हूँ, तो अब आपको छोड़ के तैयारी में लग जाना चाहिए यूपीएससी की, ठीक है। आपका इस समय गांव में भौकाल जो बना है ना, ये बरकरार रखने के लिए आपको पढ़ाई भी बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी नहीं कि एक दिन में चीजें हो जाती हैं, मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है। मैट्रिक में भी 90% था और यहाँ पर भी कुछ चूक हो गया है, कुछ चूक नहीं हुआ इसको, आपके लिमिटेड आपके लेवल पे चूक नहीं हुआ है, ये समझ लो, है ना। ये अच्छा, कॉलेज वालों से कोई दुश्मनी उश्मनी थी क्या, 21 नंबर दिया आपको? नहीं सर, वहाँ पर तो अपना ही आदमी था, पर पता नहीं ऐसे होता है यहाँ पर बिहार में ना, कि कॉलेज के कॉलेज में उतना नंबर नहीं मिल पाता है। नहीं नहीं, मैंने देखा है 29-19 नंबर भी बच्चों को मिले हैं, 30 नंबर भी मिले हैं बच्चों को। कॉलेज से नहीं मिला होगा सर, हाई स्कूल से मिला होगा, यहाँ पर जो स्कूल है ना ग्रामीण क्षेत्र में उस स्कूल से मिला होगा, पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉलेज है जिसे यहाँ पर मेरा कट ऑफ उठाया था 90 पे, तो वो सबसे बढ़िया कॉलेज था। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं मिलता है, चलो ठीक है, लेकिन उनको करना चाहिए, देना चाहिए, कि बच्चों की मेहनत होती है, इससे उत्साह बढ़ता है आगे की तैयारी के लिए। खैर इस पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं जो अपने हाथ में नहीं होती है, अपने हाथ में कि ये थियरी वाले नंबर को बढ़िया करें। और आपने थियरी वाले मेहनत नंबर में काफ़ी अच्छा मेहनत किया, हिंदी में 93 नंबर, 87 नंबर आपका इंग्लिश में है, फिजिक्स में ये सब बहुत अच्छा नंबर, जो कि मैंने पहले भी बताया है। और आगे के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग तो पूरा पीवाई को पूरा धुन अरे यार, 450 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन के सीरीज वाला, हाँ ये सबसे यादगार क्लासेज फिर उधर चलाए हम लोग। क्वेश्चन आखिर कहाँ से आएगा, सब क्वेश्चन का लेवल मतलब उतना हाई नहीं था। तो वही लेवल होता है जो लेवल आता है हर साल, और क्या चेंज कहाँ से लाएंगे, सिलेबस से ही क्वेश्चन देंगे ना, हाई में कहाँ करने जाएंगे, नीट का लेवल थोड़ी ना देने वाले हैं। नीट का लेवल देंगे सब रगड़ाएंगे, आप रगड़ाओगे सब रगड़ाएंगे, सबका नंबर कम आएगा फिर उनके ऊपर सवाल उत्पन्न होगा ना, तो ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा बायोलॉजी का कुछ पेपर इस साल थोड़ा टफ आया था, मैंने देखा था हम लोग का आपका बायोलॉजी था नहीं, आपका तो ये 96 नंबर मैथ वाला था। अच्छा एक बच्ची है हमारे यहाँ ममता कुमारी नाम से, क्लास में तो आप देखे होंगे आते जाते उसको, हालांकि उसका इंटरव्यू मैंने भी लिया था, मतलब अगले साल जनवरी फरवरी में, हाँ टेस्ट में जो टॉप की थी, आपने भी तो टेस्ट में एक बार टॉप किया था ना। हेलो, नेटवर्क गाँव का सही नहीं रहता इसलिए शायद कट गया है। बोलिए सर। अजीत आवाज नहीं जा रही क्या आपके पास? आवाज जा रही है, कोई कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा था तो उसी चलते डिस्टर्ब हो जा रही है। अच्छा ये हम लोग की तो हो रही है ना क्लास। अच्छा हाँ हाँ, तो ये ममता कुमारी जो थी तो उनका मैंने टेस्ट में भी टॉप किया था, उनके साथ क्या हुआ कि उनका बायोलॉजी में कम नंबर है, उनका 441 नंबर आया है, उनका भी इंटरव्यू मैं लूँगा, ठीक है, थोड़ा सी इधर समय का शॉर्टेज है। तो उनका मैथ में शायद 97 या 96 नंबर उनका भी है, बताओ मैथ का अगर उनका मेन में मैथ रहा होता तो कितना अच्छा नंबर आ गया होता। कर जाती वो लास्ट वाली, हाँ 452 शायद होगा। हाँ तो मैंने डाला था, मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट भी, उनका परसेंटेज है उनका स्क्रीन शॉट बना था बायोलॉजी में। हाँ हाँ बायोलॉजी में कम था, मैथ में ज्यादा था, 10 नंबर ज्यादा। तो ऐसा होता है कभी कभी, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उनका मैथ में ज़्यादा रुचि था तो मैथ को मेन रखना चाहिए था। हालांकि उन्होंने मैथ को मेन रखा भी था, लास्ट में उनके जब एडमिट कार्ड आया तब उनको पता चला कि उनका बायोलॉजी मेन है, फिर वो फंस गए। हो जाता है ऐसे, गलती ऐसे हो जाता है, क्या करेंगे। फिर भी बायोलॉजी में उन्होंने, उनका ऐसी बात नहीं, लास्ट के 2 महीने में उनको पता चला बायोलॉजी मेन है। हमारे यहाँ सुषमा मैम पढ़ाती है, उन्होंने वो बता रहे थे कि हमको पूछी भी थी सर मैम क्या करें, तो उन्होंने कहा जो पढ़ाया जा रहा पढ़ो, फिर भी 86 नंबर उन्होंने बायोलॉजी में लाया, तो उनका डेडिकेशन है, उनकी मेहनत थी जो है।
तो हालांकि जो बच्चे टेस्ट में टॉप करते हैं यहाँ के, मैं ये समझ जाता हूँ बच्चे टॉपर बनने वाले हैं, जैसे आपने भी तो टेस्ट में टॉप किया था अजीत, है ना? यस सर, टेस्ट में आपके रैंक 3 था, रैंक 3 या 2 था शायद। नहीं, टॉप 10 रैंक वाले टेस्ट में अच्छा करते हैं, ये मैंने देखा है, मतलब कई सालों से मैंने ये देखा है। ठीक है, खैर, 5 महीने पहले वाला वीडियो हाँ देखे थे वो, हम भी। हाँ उसमें मैंने टेस्ट में आपको टॉपर, टॉपर क्या हमने क्या दूंगा, वो तो आपने खुद ही 3 मिनट की 4 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन किया था, 3 मिनट के अंदर किया था पूरा तीन क्वेश्चन। मिनट 43 सेकेंड हाँ, तो ये है, चलो ठीक है अजीत, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आरा भोजपुर जो अपना जिला है हमारा, वहां से आप अच्छा करो जो है, मतलब आपका ही एक, जिला है ना। हाँ, तो वहां से आप जो है बढ़िया करो, निकलो वहां से, निकल के पूरे भारत में, पूरे हर प्रदेश में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, यानी हर प्रदेश में, मतलब एक तरह से अपना नाम, अपना गांव का नाम रोशन करो, आप बढ़िया करो, ठीक है, जी अच्छे सर, तरीके से, क्योंकि मेहनत से ही चीज़ों को किया जा सकता है। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, और मैंने क्लास में कई बार यह बात बोला भी है कि हम और आप हों, हम लोगों के लिए एक ही चीज़ है, मेहनत। मेहनत के दम पे ही कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई के दम पे ही कुछ कर सकते हैं। करोड़ों रुपए तो है नहीं हम लोगों के पिताजी के पास कि 200 करोड़ नहीं 300 करोड़ है, कोई बिजनेस खोल देंगे, है ना? उतना तो है नहीं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पढ़ाई किए रहेंगे तो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेंगे, और कुछ नहीं आएगा तो फिर बिहार वाले तो पता है यार ना, वो कैसे कैसे उनका बेइज्जती होती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना? जबकि ये नहीं देखा जाता कि बिहार के लोग जो है न केवल एक तरह से बाहर जाने वाली बातों को निकालें, तो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन बिहार से होता है। यूपी और बिहार दो ऐसे यूपीएससी जिले करती है हैं, यहाँ पे। हाँ यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ से मुझे लगता है यूपीएससी का मतलब मैक्सिमम सीट्स इधर से ज्यादा, टॉपर तो मैक्सिमम इधर से निकलते हैं, कभी कभी राजस्थान से नहीं, निकल जाते हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 5 हाँ तक तो बिहार से ही था। टॉप 10 में इसलिए देखोगे बोल तो रहे हैं कई सारे बाकी। रहते हैं, तो ये सब मेहनत का खेल होता है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग जो होते हैं ना, इनके खून में मेहनत होता है। अरे मैं बता रहा हूँ, इस समय गेहूं कटाई चल रही है, चार अभी चार बजे कटाई, सब निकल हाँ के गेहूँ काटने चले जाते हैं, और मैं वो चीज़ देखा हूँ, 4 बजे सुबह में उठ के गेहूँ काटने चले जाते हैं, है ना? अब जी सर, शहर का बच्चा 4 बजे तो 3 बजे तो मोबाइल में चैटिंग करते करते सोता है, 9 बजे उठेगा क्या ही जाएगा खेत में, जिम में जाएगा मेहनत करने के लिए, शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन खेती यहाँ पर तो पूरा देखिए ना, ये सब खेती है, मतलब है पूरा, पुआर वार रखा है सब, पूरा हाँ सब सब खेत का लड़का है। खेल रहा है। अब कॉल किए थे तो बाहर में ही थे, तो बोले इंटरव्यू यहीं पर ले लिया जाए। नहीं दरअसल क्या है कि चीजें, आज संडे था तो मैंने, आज फ्री था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं इंटरव्यू, क्योंकि उसके बाद डेली लाइव क्लासेज होती है, अब किसी का क्लास छोड़ के किसी का इंटरव्यू लेना, ये सब चीजें सही नहीं होती गलत है ना, है, अब गलत तो है, बोले ही थे कि हम बस पढ़ाने में ज्यादा फोकस करते हैं फोकस उतना। करते हैं उतना, मार्केटिंग और ये सब चीजें नहीं, क्योंकि आप लोगों से वादा किया था आपके घर आने का, वो घर तो नहीं आ पाया है ना, आएंगे नहीं घर? नहीं अभी तो नहीं आ पाया हूँ, ऐसा बोला नहीं कि मतलब घर आऊंगा ही नहीं, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ट्राई करूंगा आने के आइए लिए, ना सर। अगर घर नहीं आया तो मैं कोई ना कोई प्लेस, ऐसा अभी हम लोग सिस्टम में है कि ऐसा प्लेस कोई देखा जाए जहाँ से बच्चे की सबको आने में सुगमता हो, आप सभी लोग वहीं पर आ जाओ, वहीं पर हम लोग भी आ जाएंगे बिहार मीटअप वालों हो, के लिए हाँ सबके लिए, बिहार के लिए, आगे फिर यूपी वालों के लिए भी सेट कर दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा प्लेस का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, अब देखते हैं कहाँ पे होता है, ताकि वहाँ पे सब लोग आ सकें, हम लोग ये देख रहे हैं बच्चे हमारे कहाँ से ज़्यादा आए हैं, तो उसी के बीच में रखा जाएगा, ठीक है? और उधर तो होली आपके पे पास तो सब डाटा होगा ही। होली पे, हाँ होली पे उधर रिजल्ट आया था, तो होली का पूरा आप ही लोगों के बच्चों के घर पे ही बीता पूरा होली हमारा, किसी बच्चे का मतलब सब लोग होटल में रहते, बच्चे अपने घर रोक लिए थे, चार सर रह जाते हैं हमारे घर, है ना? बहुत अच्छा बच्चों ने मतलब आपसे सपोर्ट तो किया उस है, टाइम कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। अगर उस समय कंटेक्ट हुआ होता तो मैं उधर ही से गया था, एक बार आ गया होता आपके यहाँ, लेकिन आपने 3 दिन बाद रिजल्ट मुझे भेजा था शायद। आपका नंबर आप ज्यादा रिसीव नहीं करते हैं मैसेज ना, कहाँ हम आपके पास भेजे थे टेलीग्राम पे, आप अभी तक नहीं देखे हैं वहां पे। अच्छा टेलीग्राम ही नहीं देखे? नहीं टेलीग्राम पे देखा जाए तो करीब 250 SMS अभी है मैसेज, जो कि अभी सीन तक नहीं हुए हैं, ये मेरी उससे कमी पहले है भी मैं सर आपसे मानता हूँ। मैसेज, आपसे हम बात करने के लिए प्रयास किए थे, पर आप शायद मैसेज सीन नहीं किए, इसीलिए शायद आप में ही कोई त्रुटि हुई होगी, आप मतलब कहीं और गए होंगे शायद। नहीं, बात नहीं, आपने जब दोबारा मैसेज किया ऑफिस के नंबर पे, तो ऑफिस वालों ने मुझे आपका नंबर बताया, तब मैंने देखा, और टेलीग्राम तो इसमें समझ हाँ लीजिए हाँ ढाई दो सौ तीन नंबर प्लस पे भेजा था रिजल्ट अपना। टेलीग्राम पे तो देखो 250+ SMS आज भी बरकरार हैं, उनमें सभी को देखना, अब बहुत सारे बच्चे मतलब जो 400+ भी लाए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं इंटरव्यू अगर लेना चाहूँ तो हफ्ते 2 हफ्ते लेता ही रहूँ सर दिन एक भर। सेकंड सर, सर बोल रहे थे ना सर, फिर से मीट वाला भेज, ये वाला काट के भेजिए ना।
हम दो मिनट में कर रहे हैं इधर से कॉल। ठीक है ठीक है, मोबाइल ये वाला डिस्चार्ज होने वाला, दूसरा मोबाइल है मेरे पास। कोई नहीं, दूसरे वाले मोबाइल से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीति कुमारी कौन है? आपने मोबाइल फोन चेंज करने के लिए बोला था प्रीति कुमारी से, किसके फोन से आपने करने लगा? नहीं सर, यहाँ पर घर पे आए थे, दीदी का मोबाइल है। अच्छा, दीदी का मोबाइल है वो। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो, मतलब आपके दीदी भी हैं? तीन भाई है। अच्छा, तीन भाई हो और चार दीदी है। चार दीदी, तो आप किस नंबर पे हो, मतलब बड़े हो या छोटे हो? छोटे हैं। सबसे छोटे हो? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे? यस सर। ओ चलो ठीक है, बहन में छोटे हैं, अच्छा, भाई में बड़े हैं। बहन में छोटे हो, भाई में बड़े हो। ओ चलो ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छे से आप मेहनत करो आगे, है ना, क्योंकि आप अच्छे से मेहनत, अगर आप अच्छे से, बंद हो गया। अच्छा, चार्जिंग बंद हो गया। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे अजीत, तो आप समझ लो अपने जिंदगी के साथ में जो छोटी बहन है आपके, उनकी भी लाइफ सही होगा और घर वालों की भी लाइफ सही होगा। खैर, ये ट्वेल्थ का एग्जाम, ट्वेल्थ में अच्छा परसेंटेज, टेंथ में अच्छा परसेंटेज, ये पता चला कि लड़के के अंदर दम है ना, लड़का कुछ कर सकता है ना। ऐसी बात नहीं कि जो बच्चा कक्षा 10 में 12 में परसेंटेज लाएगा वही कुछ कर सकता है। कभी भी उसके दिमाग में अगर बड़ा चीज करने का आया और करने का ठान लिया तो कभी भी कोई कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, ये कि क्लास 10th और 12th में अच्छा परसेंटेज लाने का मतलब ये होता है कि हाँ, कि मतलब आपके अंदर दम है और थोड़ा सा और करोगे तो सबसे बढ़िया कर सकते हो। ठीक है जी सर। ठीक है अजीत, बस मैं आपसे बस इतना बोलूंगा कि आगे खूब मेहनत करो, आप दबा के जो भी आपने सपना देख रखा है पूरा करो, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का, सबके सबका जो है सम्मान करो अच्छे तरीके से, सबसे आशीर्वाद लेके आगे की मेहनत की शुरुआत करो, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी आपकी जो भी बातें थी उससे काफ़ी सारे बच्चों को सीखने को मिली होंगी कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, और रहेगी बात, मैंने ये बात भी बोला आपसे कि फीस रिटर्न करेंगे आपका, क्योंकि आपका ये 21 नंबर अगर नहीं होता तो आपका 95 प्लस होता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 90 प्लस ही मानेंगे आपको, है ना। ठीक है, 450 होता तब आराम से। थ्योरी में तो सर नहीं कट ऑफ किए, थ्योरी में सब बढ़िया से लिखे। बढ़िया बढ़िया किए हो थ्योरी में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हिंदी में 93 नंबर आया आपका, तो ये बड़ी बात होती है हिंदी में 93 नंबर लाना, है ना। चलो कोई नहीं, हम अपनी तरफ से आपको देंगे आपका जो है सम्मान, आपने फीस जितना भी दिया हुआ, कितना दिया अच्छा कुल मिला के अभी तक पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ, याद है आपको? नहीं याद है? आपने यार दो बार पेट किए थे सीकर बैच वाला में, फिर एक बार लॉक हो गया था बैच। हाँ हाँ, मतलब कुल मिला के, वैसे मैं दिखवा लूंगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपका डेटा में कितना आपने दिया है। ठीक है, आपके डाटा आपका जो मन होगा वो। हाँ, मेरे पास कौन टीचर से लेता है? कोई नहीं, परेशान मत हो अजीत, मैं कॉल करके दिखवा के आपको कंटेक्ट करके रिटर्न कर दूंगा, बस आगे मेहनत करो। और इस बार के लिए भी ये रहेगा, जो बच्चा 95 या 90 प्लस लेकर आएगा उसका फीस रिफंड होगा, बाकी मेहनत करो दवा के, है ना। ठीक है, ठीक है सर,